क्या हो अगर हमारे पृथ्वी से हमारा सूरज ही गायब हो जाए? वेल, आज की कहानी इसी अनोखे टॉपिक के ऊपर है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर डायरेक्टर डैनी बॉयल ने, जिन्हें हम स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर के रूप में भी जानते हैं। अब इस बात से आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये फिल्म भी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सनशाइन। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में साल 2057 से, जहां हमारा सूरज दिन प्रतिदिन अपनी रोशनी खोता जा रहा है, जिससे पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूबती जा रही है। और अगर ऐसा ही कुछ सालों तक चलता रहा तो पृथ्वी पर बर्फ जमने के साथ इंसानों और बाकी जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। जिस कारण साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि अगर सूरज पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए तो ऐसा करने से सूरज की रोशनी पहले की तरह वापस आ सकती है। इसीलिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सपर्ट्स की एक टीम को आईक्रस मिशन पर भेजा गया, लेकिन किसी अनजान कारण से उनका ये मिशन फेल हो गया, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट सूरज तक पहुंचने से पहले कहीं गायब हो चुका था। अब आईक्रस के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ, ये हमें आगे जानने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए इस मिशन के करीब 7 साल बाद आईक्रस 2 मिशन की शुरुआत की जाती है, जिसमें 8 लोगों की टीम मौजूद है, जिनके नाम रॉबर्ट, कैसी, मेस, सर्ल, कोराजोन, कैनेडा, ट्रे और हार्वे होते हैं। दरअसल आईक्रस 2 इतना ज्यादा एडवांस है कि उसकी खुद की एक ग्रेविटी भी है, जिससे ये लोग कहीं फ्लोट नहीं करते हैं। अब इस मिशन को शुरू हुए पूरे 16 महीने बीत चुके हैं और अब इनका शिप मरकरी प्लैनेट को पीछे छोड़ सूरज के काफी करीब पहुंच रहा है, इसीलिए अब इन्हें हद से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। शायद इसीलिए इस जगह को डेड जोन कहा जाता है, जिसमें जाने के बाद शायद कोई भी वापस नहीं आ पाता। इसीलिए इन सभी लोगों को अपने प्रियजनों के लिए आखिरी संदेश भेजने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ से इनका अर्थ से पूरी तरह से कांटेक्ट टूट जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले रॉबर्ट जाता है। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो आखिर बोले क्या, इसीलिए वो अपना पूरा समय इसी चीज में खराब कर देता है और सिर्फ उसकी वजह से कोई भी मैसेज नहीं भेज पाता, जिस कारण मेस को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। ये देखकर सर्ल मेस से शिप के ऑक्सीजन रूम में कुछ देर के लिए जाने को कहता है, जहाँ जाने पर मेस को अर्थ पर होने का अनुभव होता है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है और वो बाहर निकलकर रॉबर्ट से अपने बर्ताव के लिए भी माफी मांगता है और दोनों में सुलह हो जाती है। लेकिन तभी सर्ल को ना जाने क्या भूत सवार हो जाता है कि वो लगातार सूरज को नंगी आंखों से काफी देर तक घूरता रहता है। दरअसल इस शिप का AI सूरज के सिर्फ 2% रोशनी को ही अंदर आने देता है, लेकिन सर्ल उसको बढ़ाकर 3.2 कर देता है और लगातार ऐसा करने से उसकी चेहरे की स्किन बाहर निकलने लग जाती है। इसी बीच अब जब उनका शिप मरकरी प्लैनेट से काफी करीब होकर गुजर रहा होता है तो उन्हें अचानक से आईक्रस 1 से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जो कि काफी असंभव था, क्योंकि अगर उनको ये सिग्नल्स रिसीव हो रहे थे तो इसका साफ मतलब है कि आईक्रस 1 में अभी भी कोई जिंदा बचा हुआ है, जिस पर कोराजन बोलती है कि ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब वो जिंदा बचा शख्स उसके ऑक्सीजन रूम में हो। इसीलिए अब इनको ये डिसाइड करना था कि ये लोग अपने मिशन को अंजाम दे या फिर आईक्रस 1 तक जाएं। मेस आईक्रस 1 की तरफ जाने के सख्त खिलाफ था, क्योंकि ऐसा करने से उनके साधनों के साथ साथ समय का भी नुकसान होगा। लेकिन रॉबर्ट की राय उससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो आईक्रस 1 की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक और न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाएगा, इसीलिए अगर उनका बॉम्ब सूरज को रिस्टार्ट नहीं कर पाया तो वो दूसरे से काम चला सकते हैं, जो बात सभी को सही लगती है। इसीलिए अब ट्रे वहाँ तक पहुँचने की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बनाने में लग जाता है, जिसमें उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसमें वो एक ऐसे फैक्टर को इस्तेमाल करना भूल गया था, जिसकी वजह से उनके शिप के कई सारे पार्ट्स सूरज की गर्मी से झुलस जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो आईक्रस 1 की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे सूरज की हीट बढ़ती जा रही थी, जिस कारण ट्रे को अपने किए पर काफी बुरा लगता है। और अब क्योंकि शील्ड पैनल्स डैमेज हो चुके थे, इसीलिए कैनेडा और रॉबर्ट स्पेस वॉक करते हुए उसको रिपेयर करने के लिए जाते हैं और कैसी शिप के अनशील्डेड हिस्से को सूरज की तरफ मोड़ देती है, जिससे इनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल जब अनशील्डेड हिस्सा सूरज की तरफ किया जाता है तो उसकी गर्मी के कारण वो हिस्सा जलने लगता है और आग शिप के कम्युनिकेशन सेंटर से होते हुए ऑक्सीजन रूम तक पहुंच जाती है, जिसके कारण पूरा शिप धीरे धीरे तबाह होने लगता है। और इस तबाही को रोकने के लिए ये लोग वहाँ की सारी ऑक्सीजन को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन ये देखकर शिप का AI उसका सारा कंट्रोल खुद के पास ले लेता है और उसके अनशील्डेड पैनल को वापस घुमाने लगता है, जिससे कैनेडा और रॉबर्ट की जान को खतरा था।
इसीलिए कैसी एआई से कंट्रोल अपने पास वापस लेने की कोशिश करती है, जिस पर एआई उसको बताता है कि अगर उनका एक और साथी इसकी रजामंदी देता है तो वो ऐसा कर पाएगी, जिसके लिए वो मेस को राजी करने की कोशिश करती है, पर मेस इसके खिलाफ होता है। इसीलिए वो अब शिप की इस हालत और सारी परिस्थिति के बारे में कनाडा को सब कुछ विस्तार से समझाता है और बताता है, जिस पर कनाडा इस पूरी जिम्मेदारी को अपने सर पर लेते हुए वो रॉबर्ट को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। फिर वो धीरे धीरे उस हिस्से को रिपेयर करने में कामयाब हो जाता है, मगर तब तक वो हिस्सा उसके साथ सूरज के सामने कर दिया जाता है, जिस कारण कनाडा सूरज की गर्मी में जलकर मारा जाता है, जिससे अभी तो इनकी जान बच जाती है, लेकिन अब इनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल इस दौरान उन्होंने जो ऑक्सीजन बाहर निकाल दी थी, इस कारण इनके पास अब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसीलिए इनको अभी आइक्रस वन को ढूंढना जरूरी हो गया था। दूसरी ओर ट्रे अपनी गलती से काफी ज्यादा परेशान था, जिस कारण उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश भी की, जिस वजह से सभी ने उसको एक दवा के जरिए बेहोश कर दिया। जिसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि इन लोगों ने आखिरकार आइक्रस वन को ढूंढ ही लिया, इसीलिए मेस, हार्वे, रॉबर्ट और सर उसके अंदर जाते हैं, जहाँ उनको दिखता है कि इस शिप का ऑक्सीजन रूम एकदम सही सलामत है और साथ ही यहाँ पर खाने पीने की चीजों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन तभी इन्हें इस शिप के कैप्टन पिन बेकर की वीडियो देखने को मिलती है, जिसको देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कैप्टन ये कह रहा था कि वो सूरज को कभी रिस्टार्ट नहीं होने देगा, क्योंकि उसका ये मानना था कि ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, वो पृथ्वीवासियों को उनके कर्मों की सजा देना चाहता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ इनको व्यूइंग रूम नजर आता है, जिस जगह से सूरज को देखा जा सकता था। वहाँ पर इन सभी को बाकी के क्रू मेंबर्स की लाश मिलती है, जो कि पूरी तरह से झुलसी हुई थी, जिससे सभी को समझ आ चुका था कि पक्का किसी ने यहाँ का फिल्टर ऑफ कर दिया होगा, तभी इनकी ये हालत हो चुकी थी। अब इसी बीच सभी को ये पता चलता है कि किसी अनजान कारण की वजह से आइक्रस वन और आइक्रस टू के बीच का एयरलॉक सिस्टम ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण ये लोग अब वापस नहीं जा सकते थे, मतलब कि ये सब अब बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी मेस को आइडिया आता है कि अगर कोई यहाँ आइक्रस वन में रुककर इस एयरलॉक सिस्टम को मैन्युअली ऑपरेट करे, तो ये सभी लोग एक साथ उसके प्रेशर के जरिए खुद को आइक्रस वन से आइक्रस टू तक आराम से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि किस्मत से इनको वहाँ पर एक स्पेस वॉकिंग सूट मिल गया था। लेकिन जो भी यहाँ पर रुकेगा उसको अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, जिससे सबकी जान बच सके, इसीलिए इस काम को करने के लिए सर तुरंत तैयार हो जाता है, जिसके बाद स्पेस सूट रॉबर्ट को दिया जाता है, क्योंकि वो पेलोड को रीडोनेट करने में एक्सपर्ट होता है, जिससे हार्वे को एतराज था, लेकिन बाद में वो मान जाता है और मेस के साथ मिलकर वो दोनों खुद को स्पेस क्राफ्ट में मौजूद इंसुलेशन से खुद को लपेट लेते हैं, जिसके बाद दोनों रॉबर्ट को पकड़कर सर की मदद से आइक्रस टू की तरफ लॉन्च हो जाते हैं, जिस बीच मेस और हार्वे की पकड़ छूट जाती है, लेकिन सही समय पर रॉबर्ट मेस को पकड़ लेता है, पर वो हार्वे को नहीं बचा पाता, जो कि खाली स्पेस में ठंड की वजह से तुरंत ही जम जाता है। फिर स्पेसक्राफ्ट से टकराने के कारण उसके शरीर के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सर्ल भी आइक्रस 2 के हटने के कारण सूरज की रोशनी के एकदम सामने आ जाता है, और वो अपनी मौत के इस अंतिम समय में भी सूरज को देखते हुए बुरी तरह से झुलसकर मारा जाता है। जिसके बाद हम आइक्रस 2 में कोरिजन को देखते हैं, जो कि अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बताती है कि अब उनके पास सिर्फ 4 लोगों के जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन मौजूद है, और वो लोग 5 हैं, इसीलिए अब एक और आदमी का बलिदान देना होगा ताकि ये मिशन पूरा हो सके। जिस बात को सुनते ही मेज बोलता है कि उनको ट्रे को मार देना चाहिए, क्योंकि उसी की गलती की वजह से वो लोग आज इस सिचुएशन में हैं। यहाँ मेस गुस्से से बौखला कर ट्रे को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पहुँच कर देखता है कि उससे पहले ही उसने अपनी जान ले ली थी। लेकिन इसी बीच शिप का एआई इनको बताता है कि यहाँ पर अभी भी 5 लोग मौजूद हैं, और वो 5वां शख्स असल में व्यूइंग रूम में मौजूद है। इसीलिए रॉबर्ट जब वहाँ जाकर देखता है तो उसका सामना आइक्रस वन के कैप्टन पिन बेकर से होता है, जो कि चोरी छुपे इनके शिप में होता है, जिनका पूरा शरीर जला होने के साथ साथ उनका दिमाग भी खराब हो चुका था, जिस कारण वो बिना बताए ही रॉबर्ट पर जानलेवा हमला कर देता है। दरअसल आइक्रस वन में काफी समय तक अकेले फंसे रहने के कारण पिन बेकर को ये विश्वास हो गया था कि सूरज असल में एक देवता है, जो कि पृथ्वीवासियों को उनके पापों की सजा दे रहा है, और सिर्फ इसीलिए वो नहीं चाहता था कि सूरज को फिर से रिस्टार्ट किया जाए। यहाँ रॉबर्ट पिन बेकर से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पिन बेकर उसे स्पेस सूट रूम में बंद कर देता है। फिर वो जाकर मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर को बंद कर देता है, ताकि इनका मिशन पूरा ना हो सके। इसके बाद वो कैसी की जान के पीछे पड़ जाता है, जिस बीच मेस अपनी जान को जोखिम में डालकर
मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, जहाँ कूलेंट की वजह से वो बुरी तरह से ठंड के कारण तड़प रहा होता है, जिस दौरान उसको बंद करने के चक्कर में उसका पैर मशीन में फंस जाता है। हालांकि वो उसे दोबारा स्टार्ट करने में सफल हो चुका था, लेकिन फंसे होने के कारण अब धीरे धीरे उसकी जान जा रही थी। यहाँ हम पहली बार मेस को अपनी जान के बिना कोई परवाह किए कुछ अच्छा काम करते हुए देखते हैं, मतलब कि उसके अंदर अब बदलाव आ रहा था। इसीलिए वो किसी तरह से रॉबर्ट से संपर्क करके उसको बोलता है कि उसे कैसे भी करके आजाद होना होगा और पेलोड को शिप से लॉन्च करना होगा। इसीलिए अब रॉबर्ट के दिमाग को वहाँ से आजाद होने का एक खतरनाक प्लान सूझता है। वो स्पेस सूट पहनकर वेल्डिंग टॉर्च की मदद से आउटर एयरलॉक डोर में एक होल कर देता है, जिससे काफी तेज प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ रॉबर्ट खुद को मेटल रॉड की मदद से रोक लेता है, लेकिन प्रेशर के कारण इनर चैम्बर में एक होल हो जाता है, फिर जल्दी वो पूरा दरवाजा ही अलग हो जाता है। जिस दौरान हम कोरेजन की लाश को भी देखते हैं, जिससे जाहिर है कि पिन बेकर ने ही इसको मारा होगा। यहाँ रॉबर्ट किसी तरह से खुद को बाहर जाने से रोककर जल्दी से पेलोड को शिप से अलग कर देता है। फिर वो अगले प्रोसेस के एक्टिवेशन के लिए पेलोड की तरफ बढ़ने लगता है। इसके लिए वो स्पेस सूट की मदद से सूरज की झुलसा देने वाली किरणों से होते हुए पेलोड तक पहुंच जाता है, जहां वो जैसे ही इग्निशन को चालू करने जाता है, वहां उसका सामना घायल कैसी से होता है। साथ ही इनके ऊपर पिनबेकर हमला कर देता है, जिस बीच आइक्रस 2 को सूरज अपने अंदर समा लेता है, मतलब पेलोड सहित ये लोग भी वहीं खींचे जा रहे होते हैं। लेकिन आखिर में रॉबर्ट किसी तरह से पिनबेकर के चुंगल से छूटकर पेलोड के इग्निशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसके होते ही सब कुछ एकदम से रोशन हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और अब जैसे जैसे इग्निशन प्रोसेस सूरज की तरफ बढ़ता है, डेटोनेशन के साथ उसका न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो जाता है, जिस धमाके में आखिर में रॉबर्ट भी समा जाता है और वो सूरज को महसूस करते हुए अपनी जान दे देता है। जिसके बाद अर्थ पर हमें रॉबर्ट की बहनों को दिखाया जाता है, जो कि उसका भेजा हुआ मैसेज देख रही होती हैं। इसी के साथ वो पृथ्वी पर सूरज की रोशनी को फैलते हुए भी देखती हैं, जिसका साफ मतलब है कि रॉबर्ट और उसके साथियों ने अपने मिशन में कामयाबी पा ली थी, मतलब कि जल्द ही अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज हैं जिनकी कहानियों के बारे में हमको नहीं पता। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूं। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।